तो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंबुजा सिटी सेंटर मॉल, और चलिए इसके अंदर एंटर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। गाइस क्या बढ़िया बड़ा मॉल है यार, बहुत ही मस्त है। वाओ अभी देखो गाइस हम लोग कहां जा रहे हैं, अंदर बेसमेंट पार्किंग। अरे वो यार क्या मजा आ रहा है, मॉल तो बहुत ही बढ़िया है। अरे कुछ क्या ही जबरदस्त, इसी टाइप का हमारे सूर्य मॉल भी है ना। सूर्य छत पे भी है, हाँ छत टेरिस पे भी पार्किंग है। आप आएंगे अगर दूर तो सूर्य मॉल आना जरूर, बिलाई में है। वाह यार कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है। तो गाइस अभी हमारी कार पार्क हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है तुम लोग को थोड़ा बताओगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है गाइस। और यहाँ पे मैं हम लोग जानबूझ के इस टाइम पे आए हैं क्योंकि अभी ना जो क्रिसमस की प्रिपरेशन और डेकोरेशन होगी ना वो बहुत ही सुंदर होगी और देखने लायक होगा, तो आप भी देखना उसको, बहुत ही मजा आएगा। तो गाइस मॉल के अंदर अभी हमारी एंट्री हो चुकी है। वाह देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था क्रिसमस की प्रिपरेशन क्या जबरदस्त है। तो गाइस नीचे देखिए ग्राउंड फ्लोर में क्या मस्त डेकोरेशन की गई है, वहाँ पे फाउंटेन, वाओ यार मस्त। यहाँ पे देखिए क्रिसमस ट्रीज, वाओ यार गाइस देखो सेंटा टेडी, ये तो वो है क्या आइसमैन, सेंटा आइसमैन, सो स्वीट, क्या बढ़िया लग रहा है यहाँ पे गाइस, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का, पीछे देख लो ये डॉल पूरा। यहाँ पे गेमिंग एरिया भी है और यहाँ पे डेकोरेशन देखो आप एक बार, कमेंट कर देना। वाह गाइस कैसा लग रहा है। गाइस कैसा लग रहा है आपको एक बार कमेंट करके बता देना। और गाइस ट्री हाउस ये सब क्रिसमस के लिए मैंने जैसे कि आपको बोला था। और नीचे तो देखो एक बार यहाँ पे सजावट, हाय हाय क्या ट्री सजाया गया है। और ये हमारी बेबी रन्नू, और वहाँ पे देखो मम्मी पापा अपनी फोटो ले रहे हैं। ये देखो हम लोग टेरिस में आ गए। यार एक बार यहाँ से व्यू तो देखो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, और वहीं से तो हम लोग आए थे और नीचे से देखने में बहुत डर लग रहा है, बहुत सुंदर। और रायपुर शहर बहुत बड़ा सिटी है, बढ़िया व्यू आ रहा है, सब यहाँ से जा करें। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने लिफ्ट के लिए, बहुत बढ़िया मजा आ गया यार, इतना घूम रहे खत्म ही नहीं हो रहा ये मॉल, आ रहे नहीं आ रहे, चलो देखते हैं खुलता ही नहीं। यार हम लोग नीचे आ चुके हैं, अभी कौन सा फ्लोर, सेकंड फर्स्ट फ्लोर में है ना अपन, अपन अभी फर्स्ट फ्लोर में है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं बिग बाजार जा रहेंगे। वाओ गाइस देखो रनू बेबी तुम्हारे लिए गेम्स, चली वाह यार यहाँ पे गेम है, चलो आ जाओ जाओ रनू बेबी तुम लोग को खेलने पे, बेबी जाएगी रनू नहीं जाएगी। तो अभी गाइस हम लोग बिग बाजार के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं बाहर। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर मौसी के, और अभी हम लोग आते समय ले लिए थे समोसा, तो अभी अपन वही खाएंगे। चलो आपको भी दिखाता हूँ मैं, और कुछ ही टाइम पे हम लोग बस निकलने वाले घर के लिए दुर्ग, तो अपन निकल जाएंगे फिर यहाँ से दुर्ग सीधा। क्या हुआ आपको? अरे ये जो सोफा है ना इसका लकड़ी फसक जाता है नीचे, धुम्मों से नीचे गिर जाते हैं। तो अभी पहले हम लोग खाते हैं समोसा,
शर्मा गरम समोसा गाइस, बहुत मजा आया घूम के। मजा आया भाई, मजा आया, कैसा लगा? बेबी अपना समोसा ले आई है, मेरा वहाँ पे रेडी हो रहा है। दो यार मेरे को भी समोसा उठाते जाओ, ऐसा है क्या? सारा चटनी नहीं डाले हो, रेड वाला भी डालो ना। वो रेड वाला चिली वाला है, तीखा सब तीनों भी है, दही रेड और वो चिली वाला डाल यार तू, तीखा वाला, ये लाल वाला इमली वाला है क्या? नहीं तीखा वाला, लाल वाला जो ये वाला है ना, मैं भी पापा को देख मेरे को ले लेता। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये देखो गाइस समोसा कैसे लाल है। चलो मैं इसको खाता हूँ पहले। गाइस तो समोसा तो खा लिया हमने और बहुत ही तीखा लग रहा है। एक से एक मीठी तीखी तीखी चटनी दी थी, मीठी तो चटनी नहीं मिली थी हमको, मीठे में सिर्फ दही था, दही मिला था और कुछ नहीं मिला था। मैं बोल भी नहीं पा रही, तो मेरा जीभ जल रहा है। मैं क्या बोल रहा था, पानी, हम लोग बस अभी चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ और आपसे मिलता हूँ निकलने के बाद। गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं कार में और निकल चुके हैं अपने घर के ओर। सामने एक बार देख रहे हो, क्या लगता है वो ओस है? ओस है? बिल्कुल ओस नहीं है, वो धूल है। सोचो टाटी बन चौक से हम लोग निकल चुके हैं, बहुत मुश्किल से, वो भी टाटी बन चौक में तो और धूल था, कुछ दिख नहीं रहा था आजू बाजू। सामने भी देख रहे हो, वो ओस नहीं है बिल्कुल भी, वो धूल है, गलती से भी इसे ओस मत समझना। तो गाइज आप भी अगर आएंगे रायपुर की तरफ तो थोड़ा सेफ्टी से गाड़ी चलाना और आजू बाजू थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए हम लोग उस समय आते समय अमलेश्वर वाला रोड इसीलिए पकड़े थे। हाँ अमलेश्वर वाले रोड से आए थे, लेकिन हम लोग को क्या था उस टाइम, हम लोग को महादेव घाट जाना था, तो वो सीधा महादेव घाट छोड़ता, अब हम लोग को रायपुर से उल्टा जाना पड़ता, तो ये दिक्कत होती हमको, ज्यादा लंबा पड़ जाता वो, तो इसलिए हम लोग सीधा यही वाला रूट पकड़े, सीधा मेन हाईवे। अब हम लोग पहुंचेंगे सीधा घर, तब आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके थे रायपुर से दुर्ग, और दुर्ग हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर। तो इस व्लॉग को हम लोग करने जा रहे हैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय। और सभी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना, प्लीज हमारे चैनल को कर दो लाइक, वीडियो को पूरा देखने के बाद भी अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दो लाइक, कर दो यार प्लीज। तो आप भी हमारे फैमिली जैसे हो, आप भी अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, दिल से प्यार और दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद हमें सब्सक्राइब करने के लिए, और जो कर रहा है उनके लिए भी, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। तो इस व्लॉग को करने जा रहे हैं हम लोग यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय और स्टे सेफ और गुड बाय।